हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग अच्छे हैं तो आप लोग कृपा और दुआ से मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। तो गाइस गुड इवनिंग, क्योंकि आज लगभग शाम हो गया है वीडियो बनाने में। सुबह हमारा बहुत तबियत खराब था, रात का ही खराब था, लेकिन क्या ही बताएं, सुबह वीडियो नहीं बना पर बिल्कुल भी हालत नहीं था ठीक, क्योंकि पेट बहुत दुख रहा था, बहुत ज़्यादा दुख रहा था मेरा पेट। तो गाइस आज अभी हम आए हैं खेत की तरफ, खेत देखने के लिए, खेतैया करने के लिए, खेत में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस फिर भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर गेहूँ पीछे देख रहे हैं आप लोग, और इधर सरसों है देख लीजिए, इधर सरसों कोई दिक्कत नहीं है गाइस, पूरा खेत अच्छा है। इधर सरसों पूरा बोया गया है एक साइड में, मतलब इस साइड में अलग सरसों है, ये गेहूं में है, ये साइड में सरसों है पूरा। उधर मटर देख लीजिए, उधर पूरा फूल गया, वाइट वाइट दिख रहा होगा आप लोगों को वहाँ पे गाइस, तो पूरा फूल गया ये। तो अभी बहुत टाइम है सरसों होने में, फूल रहा है, कोई बात नहीं, लगभग एक से डेढ़ महीना में पूरा सरसों हो जाएगा। डेढ़ महीना लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ या दो महीना में पूरा मटर हो जाएगा, अरे ये सरसों पूरा फूल जाएगा, और एक महीने में मटर ख़त्म हो जाएगा। वो मटर ख़त्म होएगा ना तो उसमें बो देंगे हम लौकी, जिससे मटर ख़त्म होगा उसमें लौकी बो देंगे, ताकि लौकी इन साल हमारा बोया नहीं गया था, खेत कम पड़ गया था इसलिए हम लोग बोए नहीं। तो गाइस आज हम आए थे खेतैया करने के लिए, क्योंकि हमारा ना, हम लोग किसान फैमिली से हैं तो हम लोग को रोज़ रोज़ खेतैया करना पड़ेगा, क्योंकि किसमें क्या लगा है, कीड़ा लगा है, पानी की कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो गाइस ये देख लीजिए चना है, ये चना अभी तो बहुत छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा नहीं हुआ है चना, देख लीजिए चना बहुत अभी छोटा छोटा है। चने में बहुत टाइम लगता है, सबसे लास्ट में चना होता है, सबसे पहले मटर होगा, फिर सरसों होगा, फिर चना होगा, उसके बाद गेहूं होता है, सबसे पहले मटर होएगा और सबसे लास्ट में चना होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस पूरा वेट करते करते। इधर देखिए पालक है, दिखा रहे हैं पालक। तो गाइस देख लीजिए ये पालक है, बड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देखिए इधर बड़ा बड़ा हो गया, ये घास है, ये पालक नहीं है, ये देखिए ये पालक है, देखिए पालक इतना बड़ा बड़ा हो गया है, देख लीजिए चाचा का पानी भरा रहा है, देखिए पाइप फैलाया गया है, देखिए इधर अच्छा से नहीं जमा है, वहाँ पे पूरा अच्छा से जम गया है, वहाँ पे देखिए पालक कितना अच्छा जम गया है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वैसा जैसा जमा है ना, अगर वैसा वैसा पूरा खेत में जमा होता ना तो पूरा लगभग पता है कितना निकलता, इतना में पालक लगभग 100 क्विंटल पालक निकल जाता है, इतना खेत में जितना हरा हरा देख रहे हैं आप लोग ना, इतना खेत में लगभग 100 क्विंटल हो जाता है, लेकिन क्या ही बताएं गाइस, जमा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, तो उधर जमा ही नहीं, इधर ही जमा है, अगर जैसा इधर जमा वैसा जमा होता ना तो 100 क्विंटल आराम से निकलता, पता नहीं क्यों नहीं जमा। इधर भिंडी है, भिंडी तो अभी निकल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, लेट हो रहा है इन साल, भिंडी अभी जम नहीं रहा है गाइस,